आदिवासी फारसी पारधी जमाती के लोग यहाँ पर नागपुर में देवगिरी निवास, जो कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है, यहाँ के बाहर ये सब लोग विभिन्न जिलों से इकट्ठा हुए हैं। उनकी कुछ मांगे लेकर यहाँ पर वो देवगिरी निवास स्थान के बाहर बैठे हुए हैं और इनके हाथों में शिक्षा का और उनके न्याय मांगों का बैनर लेकर, कुछ फलक लेकर यहाँ पर खड़े हैं। सीधा जानते हैं किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं, क्या बताएंगे, किन मांगों को लेकर यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं? हम इसके लिए आए हैं कि हमारे जो प्रश्न चिन्ह आदिवासी आश्रम शाला है वो समृद्ध महामार्ग में उद्वस्त हो गए, वो मांगनी एक ही है हमारी। और हमारे जो अतिक्रम जमीन के पट्टे है वो अतिक्रम जमीन के पट्टे हमारे को मिले नहीं है, वो मांगने को हम इस यहाँ बैठे है। और जो घरकुल के हमारे पट्टे है वो घरकुल के पट्टे मांगने के लिए हम यह आए हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या मांगे? हम मंगरूर चवाड़ा मुकाम पोस्ट मंगरूर चवाड़ा तालुका नांदगांव खंडेश्वर जिला अमरावती से आए हैं। ये देवगिरी में आने का ये ऐसा समय हमारा कि जो छोटे बच्चे हैं पढ़ाई में जो पढ़ रहे वो बच्चों के जो स्कूल था प्रश्न चिन्ह आदिवासी स्कूल वो समृद्धि महामार्ग में उद्वस्त बना दिया, वो मांग के लेके आया कि वो स्कूल की जो जमीन है हमारी जो गई है उससे शासन ने 10 एकड़ जमीन देना चाहिए। और जो अतिक्रम जमीन निकाली है हमारे आदिवासी लोगों ने हमने, तो इसीलिए हमको वो जमीन उस जमीन के पट्टे मिलना चाहिए और घरकुल मिलना चाहिए। और जो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जो 3 शिक्षक हमने नियुक्त किया है वो 3 हमारी भाषा के आधार पर, फारसी पारधी की भाषा के आधार पर जो हमारा नियुक्ति उन लोगों को देना चाहिए 3 लोगों की, ये मांग लेकर हम यहाँ आए। तो हमको ऐसा हम ऐसे आए हैं ये देवगिरी में कि जो खेती के पट्टे जो है एक क्लास अतिक्रमण वो 50 से 60 साल से हम बह रहे हैं, उनके जमीन के पट्टे मिलना चाहिए। और जो स्कूल है जो समृद्धि महामार्ग में हमने जो बनाया था लोगों के सहयोग से वो उसमें से समृद्धि महामार्ग चला गया। और हमारा लाइब्रेरी था उसमें जो खोली जो सीखने के लिए जो खोला था वो सब वीर थी उसमें वो भी उद्वस्त हो गया। और जो 10 एकड़ जमीन है स्कूल के लिए तो सरकारी जमीन है उसमें हमने कुछ स्कूल के लिए खोला बंधा है, तो वो 10 एकड़ जमीन की फाइल करके वो मंत्रालय में पड़ी हुई है, वो भी वो जमीन हमको स्कूल के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारे 3 शिक्षक है फारसी पारधी के वो हम हमारी भाषा में बोल के ट्रांसलेशन करके उसको मराठी में हम वो हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं और वो शिक्षक को भी वो स्कूल में अप्रूवल निकलना चाहिए। और जो बचत गट है बचत गट को जो पैसे मिलते हैं जो योजना बना के तो वो उनको भी वो मिलना चाहिए। ऐसे करके हमारे जो मुद्दे हैं वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमारे मुद्दे थोड़ा सा पास करने को होना। और जो मंत्रालय स्तर पर जो हमारे फाइल गिरे है कागज पत्र गिरे है वो भी फाइल की वो समस्या मिलना चाहिए। ऐसे करके हम इधर वो समस्या लेके हम बैठे। देखिए ये जो फारसी पारधी समाज है ये घूमतू समाज है, ये जंगल में रहते हैं, ये घूमने वाला समाज है। और ये समाज जंगल में च दिन रात रहते हैं। ये समाज में ऐसा है कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे अनाथ बेसहारा जैसे रहते हैं। और ये बच्चे को मैंने प्रश्न चिन्ह नाम की एक स्कूल खोला है और वो स्कूल के मुताबिक 511 बच्चे यहाँ रहते थे। और समृद्धि महामार्ग में वो पूरी स्कूल डिमोशली हो गई, तो वो नाते CM फडणवीस साहब ही थे। CM साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और बहुत अच्छा CM होने के बाद उन्होंने सब यंत्रणा को फाइल भिजवाया था, लेकिन वो फाइल अभी प्रयास में नहीं है, वो मंत्रालय स्तर पे है। और वो जो है वो सब मांगे जो है ये 6 कोटी रुपए का लड़की लड़कियों को हॉस्टल देना चाहिए,
इसको फांसे पारदे समाज के रहने के लिए हाउस होना और जो रहते हैं जो वो जमीन बाहर है वो ई क्लास गवर्नमेंट की ज़मीन बाहर है वो भी उनके नाम से अगर ज़मीन का पट्टा होगा तो उसका बहुत अच्छा तरीका से ये उधर निर्वाह कर सकते हैं ऐसे। और वो तीन शिक्षक जो है वो तीन शिक्षक अनट्रेन शिक्षक करके उसमें उसको नियुक्ति दिया है, जीआर निकाला है, वो जीआर का भी अमल बजावनी नहीं, ऐसे सब जो फाइल है वो मंत्रालय स्तर पर पड़े है। तो वो करने के बाद वो देवगिरी में हमने इस यहाँ स्कूल भराया है, यानी सीएम साहब मुझे फड़ौनी साहब है ये मांग को लेके अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं और ये मांगे हमारी वही पूरे कर सकते हैं। इसके कारण हम यहाँ देवगिरी के बंगले के बाहर हमने बच्चे को स्कूल भराया है। कुल मिलाकर फांसे पारदी समाज ये जो घुमंतु समाज के रूप में देखा जाता है और इसके लिए जो शिक्षा के रूप में वहाँ पर प्रश्न चिन्ह नामक आश्रमशाला जो शुरू थी वो समृद्धि महामार्ग के निर्माण के वक्त वो पूरी तरह से बर्खास्त मतलब टूट गई, बर्खास्त हो गई, उसके कारण शिक्षा का प्रमुख अधिकार, साथ ही निवास का अधिकार, साथ ही जमीन इनके नाम पर जो निवास हो इनके नाम पर हो, इन कुछ मांगों को लेकर प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर ये पूरा फांसे पारदी समाज अनेक जिलों भर से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और अपना निवेदन ज्ञापन जो है सामने सरकार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके संबंध में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समस्या का क्या हल निकालते हैं। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वेराइटी उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर मानीवाड़ा नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।